Now we take this question on search. How to find out the value of the square root of 11 into square root of 11 of square root of 11 up to 4 terms. अब चार टर्म के लिए अगर आपको फाइंड करना है तो सपोज आपका एक फॉर्मूला बाय फॉर्मूला अगर आप जाओ तो द फॉर्मूला इज a रेस टू द पावर 2 रेस टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2 रेस टू द पावर n. ठीक है, अब यहाँ पे a क्या है आपका 11 है, 2 इसलिए लिए कि स्क्वायर रूट के हिसाब से हमको 2 लेना पड़ा, है ना. 2 रेस टू द पावर n कितने टर्म्स चाहिए अपने को, 4 माइनस 1 अपॉन 2 रेस टू द पावर 4. तो आपका बेस है 11, 2 रेस टू द पावर 4 होता है 16, 16 माइनस 1 अपॉन 16, तो आपका आंसर क्या आ गया, 11 रेस टू द पावर 15 अपॉन 16. ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 16th रूट ऑफ 11 रेस टू द पावर 15. ओके, अब इसी को अगर हम सिंप्लीफाई बाय लॉज ऑफ इंडाइसेस से करना चाहें तो देखो कैसे आंसर आता है, सेम आंसर आना चाहिए आपका. यू टेक रूट 11, रूट 11, रूट 11 अप टू 4 टर्म्स बोला इसलिए ये 4 टर्म ले लिया. ठीक है, अब दिस विल गिव यू रूट 11, वैसी के वैसी ये वाला, इस पर आ जाओ ये भी रूट 11, इसको भी वैसी रहने दिए, थर्ड वाली टर्म जो है उसको भी वैसी रहने दिए. अब ये जो है स्क्वायर रूट ऑफ रूट 11, ठीक है, इसको हमने लिखना है इस तरीके से, 11 रेस टू द पावर 1 बाय 2. स्क्वायर रूट का मतलब होता है रेस टू द पावर 1 बाय 2. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है पावर 1, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है ना, पहले तो इसको हम लिख लेते, ये फर्स्ट टर्म आपकी वैसी, सेकंड टर्म आपकी वैसी ही. अब इसको अगर आपने लिखना है तो ये हो जाएगा आपका 11 रेस टू द पावर 1 बाय 2 इंटू रेस टू द पावर 1 बाय 2. या पहले आप क्या करो, इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो ये आपका आ जाएगा रूट ऑफ 11 रेस टू द पावर, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, ए रेस टू द पावर m इंटू ए रेस टू द पावर n इज इक्वल टू ए रेस टू द पावर m प्लस n. So 11 raised to the power 1 and 11 raised to the power 1 by 2 is 11 raised to the power 1 plus 1 by 2, that is equal to 3 by 2. तो ये आ गया आपका 3 by 2. ठीक, अब इसका रूट निकाले अगर हमने, ये 11 वैसी, ये वैसी, अब ये हो जाएगा तुम्हारा मल्टीप्लाई बाय 11 raised to the power 3 by 2 into 1 by 2. ये रूट की साइन हटाया आपने तो, तो 1 बाय 2 रेस टू द पावर तो आ गया आपका 3 बाय 4. आई बात आपको समझ में, ये रूट अगर हटाना है आपको तो 11 रेस टू द पावर 3 बाय 2 रेस टू द पावर 1 बाय 2, तो दैट विल कम आउट टू बी 11 रेस टू द पावर 3 बाय 4 आ जाएगा ये. सो 11 11 रेस टू द पावर 1 इंटू 11 रेस टू द पावर 3 बाय 4. सेम वे अब अप्लाई करेंगे हम, ये हो जाएगा आपका 11 रूट ऑफ 11 रेस टू द पावर 4 वन्स आर 4 प्लस 3 7 बाय 4. अब ये रूट की साइन आप हटाओगे, ये रूट की साइन आप हटाओगे तो 11 इंटू 11 रेस टू द पावर 7 अपॉन 4 इंटू 1 बाय 2. ठीक है, सो दैट विल गिव यू 11 इंटू 11 रेस टू द पावर 7 बाय 8. यहाँ पे 1 है, सो दैट विल गिव यू, दिस विल गिव यू 11 रेस टू द पावर 8 वन जा 8 प्लस 7, दैट इज 15 अपॉन 8. ये रूट की साइन हटानी है, सो दिस विल बी 11 रेस टू द पावर 15 अपॉन 8 मल्टीप्लाइड बाय 2,
1 by 2, that is equal to 11 raised to the power 15 upon 16, which is nothing but your 16th root of 11 raised to the power 15. ठीक है, सेम आंसर आया. देखिए, by using this formula a raised to the power 2 raised to the power m minus 1 upon 2 raised to the power n. Okay, I hope you got this sum. Fine. इसी तरीके से हमको एक और सम करना है. दिस इज टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 81 अपॉन 64 इंटू 81 अप टू इन्फिनिटी. अब इन्फिनिटी अगर हम बोल रहे हैं, नंबर ऑफ टाइम्स मीन्स इनफाइनाइट टर्म्स है, तो लेट अस अज्यूम लेट y बी इक्वल टू और x बी इक्वल टू, जो भी आपको वेरिएबल लेना है, दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 81 अपॉन 64 इंटू 81 अपॉन 64 इंटू 81 अपॉन 64 अगेन 81 अपॉन 64 अप टू इन्फिनिटी. ठीक है, अब अगर आप स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर रहे हैं, इसको छोड़ देना फिलहाल, ये इन्फिनिटी. लेट अस टेक स्क्वायर बोथ द साइड्स. स्क्वायरिंग करेंगे आप बोथ द साइड्स को, तो देखिए कैसा हो रहा है. 81 अपॉन 64 इंटू 81 अपॉन 64 इंटू 81 अपॉन 64 इंटू 81 अपॉन 64 --, स्क्वायर कर रहे हो. ठीक है, स्क्वायर करोगे तो ये बाहर की रूट की साइन जो है वो निकल जाएगी आपकी. ये जो साइन है, ये रेडिकल साइन जो है बाहर वाली, ये निकल जाएंगी. क्यों निकल जाएंगी? क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब होता है रेस टू द पावर 1/2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 विल कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास टर्म जो बचेगी वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 81 अपॉन 64 इंटू रूट ऑफ 81 अपॉन 64 इंटू रूट ऑफ 81 अपॉन 64 इंटू रूट ऑफ 81 अपॉन 64 एंड सो ऑन. ठीक है, अब ये तो हमने अज्यूम करे लेट इट बी वाई, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स है. तो इसके बदले में हम क्या लिख रहे हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 81 अपॉन 64 इंटू वाई, ये वैल्यू जो अज्यूम करें हम, लेट दिस बी इक्वल. अब नाउ इसको अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं, सो दिस विल बी जीरो, है ना. दिस इज जीरो, y कॉमन निकाल लो, y माइनस 81 अपॉन 64 विल बी इक्वल टू जीरो. या तो y इज इक्वल टू जीरो और y इज इक्वल टू y माइनस 81 अपॉन 64 इज इक्वल टू जीरो, यानी y क्या आ गया आपका 81 अपॉन 64. तो y इज इक्वल टू अगर जीरो ले लेंगे तो ये जो आपका जो है सर्ड है ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है ना. तो अपना y क्या होना चाहिए, y शुड बी इक्वल टू 81 अपॉन 64. तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएंगी, स्क्वायर रूट ऑफ 81 अपॉन 64 इंटू 81 अपॉन 64 इंटू 81 अपॉन 64 इनफाइनाइट टाइम्स, दैट विल बी इक्वल टू 81 अपॉन 64. ठीक है, ओके, आई होप यू गॉट दिस. तो इस सम में से आप समझ सकते हैं कि इनफाइनाइट टाइम्स कोई टर्म लिए जा रही है तो उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलना, द सेम टर्म विल बी एज इट इज. ओके, प्लीज इफ यू हैव एनी डाउट पुट इट इन द कमेंट बॉक्स.